तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। सीएम धामी ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संग बैठक। सीएम धामी ने महेंद्र भट्ट के साथ बैठक की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये मुलाकात की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकार और संगठन को लेकर चर्चा भी इस दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित। उस पर लगातार निगाह हमारी बनी रहेगी, लेकिन आज का दिन बेहद खास क्योंकि कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ इससे पहले बैठक की है। सीएम धामी ने महेंद्र भट्ट के साथ बैठक की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये मुलाकात है और इसे बेहद अहम भी मानी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी करेंगे कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित और इस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये मुलाकात है और बेहद खास बताई जा रही है। हालांकि इस बैठक में 2024 और इसके साथ ही 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और बहुत बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक भी है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की है। सीएम धामी ने महेंद्र भट्ट के साथ ये बैठक की। हालांकि तमाम विषयों पर इस पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये मुलाकात है। उत्तराखंड में सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। तो लवली बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। लवली, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, कल कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन आज किस मायनों में खास, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आज बीजेपी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है क्योंकि आज कई फैसले लिए जा सकते हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है और साथ ही आज जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको भी बढ़ाने को लेकर बात की जा सकती है और घोषणा की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात है कि आज जो बैठक के अंदर जो मुद्दे और जो चर्चा होनी है जिसको लेकर बड़ी जिम्मेदारियां देनी है, खासकर जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को लेकर मेन मुद्दा और बातें रखी जाएंगी जिसको लेकर आज जो खास दिन बताया जा रहा है। बिल्कुल, और बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, जीत का मंत्र देंगे जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। कब ये संबोधन होगा लवली, इसके बारे में जानकारी दीजिए और ये जो बैठक है वो कब शुरू होगी? देखिए, बैठक के अंदर योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के सीएम समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही पहुंच चुके हैं और बैठक अब से कुछ देर के अंदर शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और संबोधन कब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो 11 बजे के आसपास शुरू होने का उम्मीद है क्योंकि तमाम राज्यों के जो सीएम हैं वो पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और आला नेता जो बीजेपी के सीएम। बिल्कुल, लगातार नजर बनी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन पर जब वो जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही मंथन किया जाएगा मिशन 2024 को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लवली, और ये जानकारी हम तक साझा करेंगे।